हाय गाइस, आज कोकीज किचन आपके लिए लेकर आया है इंस्टेंट ब्रेड मेंदू वड़ा, जो बहुत ही आसानी से बन जाएगा और घर में सभी अवेलेबल चीजों से ही बनेगा। सिर्फ आपको चाहिए ब्रेड। आप इसे फ्रेश ब्रेड से भी बना सकते हैं या फिर आपके पास लेफ्ट ओवर ब्रेड हो सैंडविच बनाने के बाद, या फिर अगर आपके पास कुछ बनाने के बाद जो लेफ्ट ओवर ब्रेड होता है उसके साथ भी आप बना सकते हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं इसे। पहले हमें ब्रेड की पीसेस करनी है। मैंने 6 स्लाइसेस लिए हैं ब्रेड की। सारी ब्रेड को हम इसी तरह स्लाइस कर लेंगे, पीसेस कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह हमें इसकी इस तरह पीसेस कर लेना है, स्मैश कर लेना है इसे। बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। ये रेडी हो गया है। अब हम इसमें डाल लेते हैं, ये है सेमोलिना रवा। इसकी क्वांटिटी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिए मैंने कितना कितना लिया है क्वांटिटी। यह है चावल का आटा। थोड़ी करी लीव्स है, मैंने इसे काट लिए हैं, इस तरह पीसेस करने हैं। सॉल्ट डाल देंगे हम और इन चीजों को हम मिक्स कर लेंगे एक बार। अब हम डालेंगे इसमें ग्रीन चिलीज, मैंने 2 लिए हैं, आप अपने स्वाद के हिसाब से ले सकते हैं। ये जिंजर है, मैंने इसे कद्दूकस कर लिया है। क्यूमिन सीड्स, जीरा डालना है हमें। अब हम डालेंगे फाइनली चॉप्ड ऑनियंस, एक ऑनियन लिया है मैंने बड़ी साइज का। कोरिएंडर, धनिया पत्ता फ्रेशली चॉप लिया है मैंने ये। अब हम डालेंगे इसमें दही। अब हम इसे हाथ से मिक्स कर लेंगे। से अच्छी तरह से मिक्स होगा। देखिए फ्रेंड्स, ये डो रेडी हो चुका है। इस तरह मैंने सारी चीजें मिक्स कर ली है। अब इसमें से हम बना लेते हैं वड़ा। इस तरह गोल बना के हमें इसमें बीच में इस तरह छेद करना है, इस तरह छेद कर लेना है। इस तरह बना के सारे वड़े हम रेडी कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने रेडी कर लिए है वड़ा, अब हम इसे तल लेंगे। मेरा तेल भी रेडी हो चुका है, यहाँ मैंने थोड़ा सा डाल के देख लिया है, तेल रेडी है, गरम है। बस हम इसमें वड़ा डाल लेते हैं। हाँ,
हमें धीमी आंच पे ही पकाना है। अंदर से भी अच्छे से पक जाएंगे और ऊपर से भी अच्छा सा कलर आ जाएगा। देखिए इस तरह का कलर आना चाहिए ब्राउन। हो चुके हैं, हम अब इसे निकाल लेते हैं। मैंने ये जाली वाली प्लेट ली है, मैं इसमें निकालूंगी पहले कि एक्स्ट्रा अगर तेल हो तो नीचे प्लेट में चला जाए। नीचे प्लेट रखा है मैंने। इसी तरह हम बाकी के वड़े भी तल लेते हैं। इसे भी हम धीमी आंच पे कुक कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इंस्टेंट ब्रेड मेंदू वड़ा रेडी है सर्व करने के लिए। ये आप मॉर्निंग ब्रेकफास्ट या इवनिंग स्नैक्स के लिए बना सकते हैं। आप अपने बच्चों के लिए बनाइए और मुझे फीडबैक कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।